प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि हमें कभी भी केंद्र से जनगणना के संकेत मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनगणना से संबंधित अपनी सभी तैयारियां पूरी रखें। उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज हैं, मकान हैं, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पे फिर हम लोग जनगणना का, जो हमारा यहाँ का विभाग हो, सक्रिय हो।